2000 15000 रुपए 15000 ये भी 15000 दो दांत ठीक है, ये 15000 के हैं। जत सोजत 50-55 किलो और इसका 27000 रुपए 27000 रुपया एक महीना घूमता है। इसका क्या मांग रहे हैं? 28000 रुपए मांग जाएगा। 28000 रुपया 55 से 60 किलो 55 किलो पकड़ के दोस्तों मैंने रिक्शा लिया हूँ मीरा रोड स्टेशन से और जा रहा हूँ मीरा रोड बकरा मंडी में देते ग्राउंड, तो थोड़ी ही देर में पहुँच जाऊँगा। देखते हैं यहाँ की मंडी क्या है, क्या प्राइस रहती है। दोस्तों मंडी तो पहुँच गया हूँ मैं एंड यहाँ पे मिलेंगे अपने भाई लोगों से, क्या बकरे उतरे हैं डिटेल लेंगे। सिर्फ 26 रुपये में पहुँच गया मंडी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ त्रिवेदी गोट फार्म के बकरे मीरा रोड बकरा मंडी में एंड अभी हम लोग जाएंगे अमन भाई से प्राइस पूछेंगे। और ये मेरा बैग लटका हुआ है जिस पे फांसी लग चुकी है उसको, मैं इसमें से माइक निकाल लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम अमन भाई। वालेकुम सलाम, कैसे भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाह भाई। अच्छा एक बार फिर हूँ मैं, पिछले साल आपने ये मंडी में लाए थे जी एंड बहुत पसंद है मुझे ये मंडी। अल्हम्दुलिल्लाह जी जी ठीक है। कुछ बकरों के प्राइजेस आप बताइए, थोड़ा जजमेंट मिले हम लोगों की क्या प्राइस चल रहा है। बजट वाले बच्चे बताऊंगा रईस भाई, बजट वाले ही बताइए भाई ताकि कुर्बानी आसान हो। ये लो भाई दो दांत ₹15000 क्या वजन होना चाहिए भाई आपके अंदर से? ये 35 किलो लगभग रहेगा, 35 किलो के आसपास का है। ये बच्चा ले लो, ये भी ₹15000 ये भी 15000 दो दांत ठीक है, 15000 के हैं। या जोड़ी में ले जाइए तो और स्लाइड हो जाएगा, स्लाइड ही निगोशिएबल भाई कर देंगे। ठीक है भाई, ये वाला भी आ जाएगा ₹16000 में। अच्छा आसा साहब ने पकड़े इसको। हाँ। आसा साहब को जानते हो आप, यंगेस्ट गोट फार्मर, सो बहुत अच्छा शॉप करते हैं। इसका भी 15000 बताए ना? हाँ भाई ₹16000 में दे देंगे, ₹16000 फाइनल 15000 में दे देंगे। ये लो भाई 55-60 किलो का बच्चा, 55-60 किलो में भाई। ये सिरोही की देसी है? सिरोही है 28000 रुपए 28000 रुपए में 55 किलो के आसपास का वेट है। ये ले लो सोजत 50-55 किलो और इसका 27000 रुपए 27000 रुपया एक महीना। ठीक है ये गुजरी ले लो 55-60 किलो गुजरी। हाँ अच्छा ये ब्रीड में ही आता ना ऐसा, थोड़ा सा चेंज घूमता है। इसका क्या मांग रहे हैं? 28000 रुपए मांग जाएगा, 28000 रुपया 55 से 60 किलो 55 किलो पकड़ के चलते हैं। और क्या मेंढी भाई ये बेचना है क्या? हाँ बेचना हो बता दो। इसका क्या मांग रहे भाई? ये 45-50 किलो हो गए, 24000 रुपए में आएगा। 24000 रुपए अंडू लेना है भाई? ये अंडू है, ये मेंढे कोई भी लो 26000 रुपए कोई भी लो, 60-60 किलो के मेंढे 26000 रुपया ईच। कोई भी मंडा लो, 60 किलो का वजन है। और वजन इसमें ज्यादा ठोस भरा है क्योंकि बाल इतने बड़े किसी के है नहीं। हाँ तो इसमें कुछ बड़े बड़े भी है, थोड़े बड़े बड़े भी है जी जी। भाई क्या ब्रीड के ये अपने बाहर के है, कच्ची मंडे है, कच्ची मंडे है। फिक्स प्राइस 26000 ईच। ये लो भाई जी 19500 रुपए 19500। ठीक है भाई, क्या होगा फिर भी इसका वजन? इसका तकरीबन रहेगा 38 केजी लगभग। 38 है भाई, हल्का लग रहा है। 38 है ठीक है भाई। एंड भाई वो कोटा एक उधर थोड़ा गर्म है, क्या है वो अलग बंदा है ये? ओ, वो ये वाला वो ये? हाँ ये तो बिक चुका है भाई, बिक चुका है तो रहने देते हैं। एक मक्की चीना टाइप ब्लैक, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट स्पॉट का है डॉट। बकरा बहुत दूर था वैसे, जूम करके देख रहे थे, करीब से देखते हैं हम लोग। 55-60 किलो 55-60 किलो 28000 रुपए 28000 रुपए और बाकी सब उसी के आसपास के रहेंगे। हाँ उसके आसपास ही है। तो बकरे बहुत सारे वैरायटी में, वो बच्चा देखो जूम करके बताओ कोने में 19500 रुपए में 19500। हाँ एंड क्या वेट में होगा ये? 38-40 के जी आराम से। 38-40 के जी? हाँ आपने 19500 कहा? हाँ जी ठीक है,
जी ऐसा साहब, दूसरा बाड़ा देखते हैं अपन लोग, इसमें कुछ है दिखाने लायक। आशा साहब, ये आपका दूसरा बाड़ा है, पहले बाड़े में हमने देख लिया था। हाँ। तो ये आशा साहब है, हमारे इस्माइल भाई के बेटे है एंड बहुत अच्छा शौक करते हैं। आशा साहब, ये तो बड़ा बकरा है आपका जो भोपाल में रखे थे। हाँ। है ना, और बहुत बड़ा बकरा है ये, और अभी तो थोड़ा उतरा हुआ लग रहा है, फुल एग्रेशन है, इसे दूर रहता हूँ मैं भी, क्योंकि इसका एक फटका भी बहुत भारी पड़ेगा एंड भाई ने बहुत टाइम से इसको रखा है। नीचे अमान साहब का नंबर देता हूँ, प्राइस अमान साहब बता देंगे। हाँ। ठीक है, फिर ये है अपना एक बकरा, पीछे गुजरी में है, पीछे भी बड़ा बकरा है वो तो। हाँ। ये जी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। फिर सिरोही, ये सब 90 किलो 100 किलो के आसपास के होंगे। एक ये भी है। अच्छा साहब, अभी मेंढे भी उतरे ना अपने? मदुराई है। मदुराई, वो कहाँ पर है? वहाँ पे। अच्छा, ये देख के हम लोग वो भी देखते हैं। ये मेवाती बहुत बड़े फ्रेम में है ये भी, एंड एक मिनट ना, गुजरी। सो अमान भाई एक्चुअली बिजी चल रहे हैं, सो प्राइसिंग देख रहे हो, कस्टमर डील कर रहे हैं, प्राइसिंग के लिए नीचे नंबर दिया हुआ है, अमान साहब को कॉल कीजिए, और बाजू में चल के दूसरा लॉट देखते हैं। इसका रेट पता है? ये गरम बकरे है, ये 35,000 का है वेट का अंदाजा। अच्छा, इसका एक भाई भी है, कहाँ पर है वो अंदर में। अच्छा, अंदर में है जो इधर बैठा हुआ था ना, ये क्या? हाँ। ये उसका भाई है। सो ये 35,000 आस्किंग प्राइस एंड दिस वन इज 40,000। यस। सो 40,000 में ये है, इससे बड़ा है ये, और दोनों ही बहुत गर्म है, जिसकी वीडियो मैंने भी डाला था, इसको जिला वतन किए थे ये दोनों, वही है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। एक बोर भी है, ये हंसा है, ये हंसा। सब बकरों को मैंने पहले देखा हूँ। 85,000। क्या बता रहे हो? 85,000 इसका आस्किंग प्राइस है एंड बकरे की लेंथ देखिए, बहुत बड़े लेंथ में और फुल गरम है ये। सो भाई, ये शौक की चीज है, साइड हट जाओ, वीडियो बना रहे। एक मिनट, मैं यहाँ से लेता हूँ। शौक की चीज है ये। ये भी एक है मदुरा। अच्छा साहब, ये तो आप लोग के पास बहुत पहले से है ना? हाँ। बकरे थोड़े गंदे हो गए, मैं बता रहा हूँ, बहुत खूबसूरत बकरा ये। इसका कोई वीडियो मिलता है पुराना तो मैं स्क्रीन पे बताऊंगा, बड़ा प्यारा बकरा ये एंड 85,000 डिमांड है, कि बकरा भी हैवी है एंड लाइट जल गई, अच्छा हुआ। बाहर बारिश हो रही है। ये कौन सा है? पतीरा। पतीरा, ये पतीरा है। ये कब से आपके पास में? एक साल हो गया है लगभग। हाँ, असद साहब के पास एक साल से है। असद साहब, अपने फार्म पे तो मैंने पहले दिखाया ना इसको। हाँ। ये दोनों डेंजर है, इसलिए दूर नहीं जाएंगे, इसको ऐसे ही लेंगे। तो प्राइस पता है या उनसे ही ले लेंगे? अमन भाई से ही है। इससे दूर रहो तो अच्छा है। हाँ। और उससे बड़ा वाला, जिससे बड़े वाला, उसको खाना नहीं मिलेगा, चलेगा, पर फाइट उसके साथ होनी चाहिए। अच्छा, ये समुराई है। ठीक है, ये मदुराई के समुराई है ना। सिंह देखो कैसे बांधे इसका, बहुत बुरा ठोकता है ये। गले पे बांध देंगे तो तोड़ के भाग जाएगा। ये भी अपना है ना? नहीं, आज हुआ ना, आगे नहीं अपनी। ये तो अमान भाई का नंबर है नीचे, सो जो लेने में इंटरेस्टेड है कॉल कर देगा। दोस्तों, इजाजत चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।